गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गॉड मदर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट मैथ मैजिक चैप्टर 9 हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चन 6 फिल इन द मिसिंग स्पेस विथ नंबर इन बेसिक टेबल। अब इसमें हमें 2 को मल्टीप्लाई करते हुए आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इस 1 से 2 को किया तो 2 आया, 4 से 2 करेंगे सो 8 आएंगे, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 6 से 2 किया 12 आए, 7 से 2 करेंगे तो क्या आएगा 46, 8 से 2 किया तो 16, 9 से 2 करेंगे तो 18 और 10 से 2 करेंगे तो 20। फिर यहाँ पे 3 से करना है तो 2 को अगर 3 से करे तो क्या आंसर आएगा 6, 3 को 3 से करे तो 9, 4 को 3 से करे तो 12, 5 को 3 से करे तो 50, 6 को 3 से करे तो 18, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 मतलब 21, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24, 9 को 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 27। वैसे ही फिल इन द ब्लैक स्पेस ऑन द बेसिस टेबल। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे हमें 3 3 ऐड करते हुए जाना है, 3 में अगर 3 मिला है तो 6, 6 में अगर 3 डाले तो 9, 9 में 3 डाले तो 12, 12 में 3 डाले तो 50, 15 में 3 डाले तो 80, 18 में 3 डाले तो 21, 21 में अगर 3 डाले तो 24, 24 में 3 ऐड करें तो 27, 27 में अगर 3 ऐड करें तो 30। जॉइन द बर्ड्स देयर नेस्ट। अब बर्ड को हमें नेस्ट से जोड़ना है, 2 और 8 मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 16, तो इसे हमें जोड़ देना है। 2 और 7 को अगर हम करें तो कितना आंसर आएगा 40, 2 एंड 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 12, 3 और 9 को अगर हम करें मल्टीप्लाई तो कितना आंसर आएगा 27, 3 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 24, 2 और 5 को करें तो कितना आंसर आएगा 10, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 15। अब एग्जांपल, राइट द आंसर ऑन द बेसिक टेबल, हाउ मेनी टाइप्स डू 3 बाइसिकल हैव, सो 3, 2 एंड 6, ठीक है। कितने पहिए 2, इसलिए 2, कितनी साइकिल है 3, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। हाउ मेनी ईयर्स टू 5 रैबिट्स हैव, अब 5 रैबिट्स है, 5 रैबिट्स के ईयर कितने हैं 1 एंड 2, 2 ईयर्स, तो 5 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 10। अब कितनी बॉटल्स है, 1 इन जार हैज 2 फिशेस, हाउ मेनी फिशेस डू हैव जार्स हैव, अब कितनी है चार्स मतलब 4, एंड कितने फिश है 2 फिश, सो 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 8। अब हाउ मेनी लेग्स टू 6 चिल्ड्रंस हैव, कितने चिल्ड्रंस है 6, कितने लेग है 1 एंड 2, 2 लेग्स, तो कितना आंसर आएगा 12। कलर इन द पिक्चर्स बटरफ्लाई ऑन द बेसिक टेबल्स एज पर इंस्ट्रक्शन, जहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए वहाँ आपको ऐसा कलर फिल करना है। कलर ब्लू इन द पार्ट विंग्स और आंसर फ्रॉम 5 to 10, अब यहाँ से 5 to 10 तक आपको वाइट कलर फिल करना है। पहले हम ऐसे कर लेंगे 18, 21, 22, 23, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 12, 7, 12, 40, 8। अब इसमें 5 से 10 तक के जो आते हैं, 5 के और 10 से अंदर, उसमें आपको ब्लू कलर फिल करना है।
कलर इज ग्रीन इन पार्ट विंग्स ऑफ 11 to 20। 11 से लेकर 20 तक जो इसमें नंबर आता है उस नंबर में आपको ग्रीन कलर फिल करना है। कलर ऑफ येलो इन पार्ट द विंग्स विथ आंसर 21 to 25। अब यहाँ पे आगे बटरफ्लाई में 21 से लेकर 25 तक जो नंबर्स आते हैं वो उसमें आपको येलो कलर करना है। और कलर इन रेड इन पार्ट विंग्स विथ आंसर फ्रॉम 26 to 30। और 26 से 30 में जो नंबर आते हैं उसमें आपको रेड कलर फिल करना है। अंडरस्टैंड ग्रुप ऑफ 4 डॉट्स, हाउ मैनी टाइम्स टोटल डॉट्स एंड रीड एंड द स्पीक। अब यहाँ पे कितने डॉट्स है, 4 डॉट्स। हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम्स, एंड 4 × 1 = 4। इसको हम ऐसे लिख 4 × 1 = 4। ये 4 का टेबल ही है, यहाँ आपको डॉट्स है ये 2 बार है और 4 डॉट्स है, ये 3 बार है 4 डॉट्स, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6, ये 7, ये 8 बार और ये 9 बार और ये 10 टाइम्स, ये आपको डॉट्स दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 का है, 5 डॉट्स है 1 टाइम, 5 डॉट्स है 2 टाइम्स, 5 डॉट्स 3 टाइम्स, 5 डॉट्स 4 टाइम्स, 5 डॉट्स 5 टाइम्स, 5 डॉट्स 6 टाइम्स, 5 डॉट्स 7 टाइम्स, 5 डॉट्स 8 टाइम्स, 5 डॉट्स 9 टाइम्स, एंड 5 डॉट्स 10 टाइम्स। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, and 5 × 10 = 50. Write and correct number in 4 × 3, क्या आंसर आएगा, 12, 5 × 9 = 45, 4 = 6 × 4 है, सो यहाँ कौन सा आंसर आएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6, 5 × 8 = 5, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे है 7 × 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4, 4 × 2 क्या होता है, 8, यहाँ पे 3 और आंसर है 15, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 50, 4 × 1 = 1 × 4, 5 × 2, 2 × 5, 4 × 4, 4 × 4, fill in the blanks on the basic of table, 4 × 9 = कितना होता है, 36, 5 × 7 = 35, 3 × 2 = 6, 4 × 5 = 20, 2 × 8 = 16, 3 × 6 = कितना होता है, 18, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20, 2 × 1 = 2, 1 × 7 = 7, 2 × 9 = 18, 5 × 8 = 40. मैच द फॉलोइंग, 4 × 7 क्या आंसर आएगा, 28, तो इसे मैच कीजिए, 5 × 4 कितना आंसर आएगा, 20, यहाँ पे 3 × 8 कितना आएगा, 24, 2 × 6 को कितना आंसर आएगा, 12, 1 × 9 = 9, यहाँ पे 5 × 3 कितना आंसर आएगा, 15,
थ्री मल्टीप्लाई टू कितना आएगा, सिक्स। फोर मल्टीप्लाई नाइन कितना आएगा, 36। टू मल्टीप्लाई एट कितना आएगा, 16। वन मल्टीप्लाई फाइव कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे हाउ मैनी लेग्स ऑफ लेग्स डू फोर काउस हैव। एक काउ को फोर लेग्स होते हैं, तो फोर काउ को कितने होंगे, तो एक काउ को यहाँ पे फोर काउ दी गई है और एक काउ को फोर लेग्स होते तो कितने होंगे, 16। एक काउ के फोर और फोर और फोर कितना होता है, 16। हाउ मैनी डू थ्री बफेलोज हैव। अब बफेलो के तीन बफेलो के कितने होंगे, 6। हाउ मैनी ईयर्स फॉर फाइव गोट्स है। एक फाइव गोट्स है, एक के पास दो ईयर होते हैं तो कितने होते हैं, 5 के पास 10। हाउ मैनी टेल्स डू फोर कैट्स हैव। कैट कितने टेल्स होते हैं, कितने पूछे होती है एक कैट की, एक, तो 4 की कितनी होती है, 4। हाउ मैनी हैंड्स टू डू पीपल हैव। अब दो पीपल है, ठीक है, तो एक पीपल के दो हाथ हुए तो दो के कितने हुए, 4। हाउ मैनी ट्रंक्स डू फाइव एलिफेंट हैव। इतनी होती है, एक हाथी की एक होती है तो 5 की 5 ट्रंक्स होती है।